वेलकम टू पेबल्स। आज बात करेंगे रंगों की, यानी कि कलर्स की। आपको पता है कलर्स और एस्ट्रोलॉजी का बहुत पुराना और बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अभी तक आप सोचते होंगे कि मेरा फेवरेट कलर रेड है या मेरे पार्टनर को रेड बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं रेड ज़्यादा से ज़्यादा पहनती हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेड कलर से अट्रैक्ट होती हूँ। लेकिन क्या आपको पता है आप रेड कलर से क्यों अट्रैक्ट होती हैं या आपके पार्टनर का फेवरेट कलर रेड क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न होता है। या कई बार आपने सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं आपको येलो कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी स्टडी टेबल पे यूज़ करना चाहिए, अपने ऑफिस की स्टडी टेबल पे यूज़ करना चाहिए, हैंकी रख लेना चाहिए, धागा बांध लेना चाहिए, घर के वॉल को इस एक्स वाई जी कलर से पेंट कर दीजिए, ड्राइंग रूम को किसी कलर से पेंट कर दीजिए, तो कभी बोलते हैं कि बेडरूम को किसी कलर से पेंट कर दीजिए। आखिर कलर्स से क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ पे? कलर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन कैरी करते हैं जो कि हमें हमारी पर्सनालिटी पे बहुत गहरा इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो आज हम बात कलर्स की करेंगे और जानेंगे कि कुछ स्पेसिफिक कलर्स को यूज़ करके कैसे हम अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें लाइफ में अचीव करनी हैं तो हम उनको कैसे कलर्स से अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं 5 कलर्स की बात करूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ये 5 कलर्स। सबसे पहले बात करते हैं येलो कलर की, जो कि सनफ्लावर का कलर होता है। येलो कलर, येलो की कोई भी शेड सबसे ज़्यादा अच्छा तो खिलता हुआ पीला कलर ही है जिसकी मैं आपको बात कर रही हूँ। येलो कलर आप कब यूज़ करेंगे, किस किस चीज़ को पाने के लिए आप येलो कलर यूज़ कर सकते हैं? अगर आप कोई बुद्धि का काम करते हैं, जैसे कि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं या आप बैंकिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, इन्वेस्टमेंट्स से डील करते हैं, देखिए बुद्धि का प्रयोग तो हर फील्ड में होता है, दिमाग के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बुद्धि का एवरेज लोगों से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें दिन में 12-15 घंटे आपको कंटिन्यूसली अपनी माइंड का यूज़ करना ही पड़ता है क्योंकि उसके बिना आपका काम करना पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको येलो कलर अपने पास हमेशा रखना चाहिए। तो अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, येलो कलर हमेशा अपने पास रखिए। आप देखेंगे कि उस जो आप अपने माइंड को इतने ज़्यादा घंटे यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से आप थकोगे नहीं, आपको टायर्ड नहीं फील होगा, और जो आप काम कर रहे हो वो बहुत अच्छे से होगा, फोकस से होगा, उसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी। लेकिन इस येलो कलर को यूज़ कैसे करना है? आप नॉर्मल तरीके से तो यूज़ कर ही सकते हैं, जैसे कि हैंकी रख लिए अपने पास, शर्ट्स या ड्रेसेस आपने येलो कलर की ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्डरोब में रख ली। लेकिन इन सब से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इस एक रेमेडी से पड़ता है, और वो क्या है ध्यान से सुनिए। आप एक कांच की बॉटल को लीजिए, शीशे की बॉटल को लीजिए, उस पर येलो कलर का सेलोफेन शीट रैप कर लीजिए, उसको 2 या 3 बार येलो कलर का सेलोफेन शीट अपने कांच की बॉटल पे रैप कर लीजिए और उसको लकड़ी के कॉर्क से बंद कर लीजिए। बंद करने से पहले आपको उसमें पानी भर के रखना है। आप अपनी ऐसी 5-6 बॉटल्स बना सकते हैं और उसको कॉर्क से बंद करके इसको आपको सूर्य की रोशनी में रखना है, यानी कि सन की किरणों के नीचे रखना है। इसको आप 5-6 दिन तक रखे रहिए। लेकिन आप इसको रखेंगे कहाँ पे? लकड़ी के किसी प्लेटफॉर्म पे रखेंगे इसको, किसी भी और मटेरियल पे नहीं रखना, सिर्फ लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे ही रखना है। 5-6 बॉटल्स आपने रख ली, 5-6 दिन तक उसको वहीं पे ही रखे रहने दीजिए, और उसके बाद जैसे ही आपका ये होने लग जाता है, सूर्य सिर पे चढ़ने लग जाता है, आप हर रोज़ उस बॉटल्स को उठा लीजिए। वापस अगले दिन जब सनराइज़ हो उसको 3-4 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में, उगते सूर्य की रोशनी में रखे रहने दीजिए। आपने 5-6 दिन तक रख लिया, उसके बाद हर रोज़ आधा ग्लास करके या 1-1 ग्लास करके उस पानी को सूर्योदय के टाइम पर ही पीना चालू कीजिए। सूर्योदय के टाइम पे ही आपने ये जो अपनी बॉटल्स प्रिपेयर किए हैं येलो सेलोफेन शीट वाली, उनको आप पीना
चालू कीजिए, क्योंकि देखिए सन की जो रेज आ रही है वो येलो कलर को टच करके पानी में जा रही है, तो वो कुछ ऐसा अफेक्ट देती है पानी में जो आपके माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, आपको टायर्ड फील नहीं होने देता है और आप अपनी बुद्धि से जो भी काम कर रहे हैं उसका डबल अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये बात हुई येलो कलर की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलर है। अगर आप इस कलर का यूज़ करते हैं सही तरीके से तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कलर की जो है ब्लू कलर। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्काई ब्लू कलर की। तो जो स्काई ब्लू कलर है वो जुड़ा है इमोशनल डेप्थ से। आप अपने अंदर या अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि कहीं उनको अचानक से स्काई ब्लू कलर तो नहीं पसंद आने लग गया, कहीं अचानक से ज़्यादा कपड़े स्काई ब्लू कलर के तो नहीं खरीद रहे, या आप कोई अपने बच्चों को इस चीज़ में भी आप नोटिस कर सकते हैं, जब वो कोई नई नोटबुक ला रहे हैं तो उसका जो फ्रंट कवर है वो तो कहीं स्काई ब्लू कलर का नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो एक अच्छी बात भी है एक बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है कि जो स्काई ब्लू कलर पसंद करने वाले लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये कलर, वो हर जगह अपने आसपास यही कलर देखना चाहते हैं, उस कलर के कपड़े पहनना चाहते हैं, ऐसे लोग ये जान लें समझ लें कि उनकी लाइफ में अगले कुछ सालों में बहुत ही विशेष परिवर्तन आने वाला है और ये परिवर्तन सकारात्मक होगा। कैसे होगा? उनकी सोच बदलेगी, वो हल्की फुल्की सोच से कुछ गंभीर सोच की तरफ बढ़ेंगे, वो कुछ इंटेंस ऐसे थिंकिंग रखना चालू करेंगे जिसकी वजह से बाकी के जो लोग हैं वो उनके फॉलोअर्स बनेंगे, वो उनसे एडवाइस मांगने आएंगे और वो उनको मानने लगेंगे। तो ये तो हुआ एक अच्छा पॉइंट स्काई ब्लू कलर के पसंद, जो लोगों को स्काई ब्लू कलर पसंद है उनके लिए। लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है स्काई ब्लू कलर का, वो ये है कि जब स्काई ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अचानक से पसंद आने लग जाता है तो आपकी जो इमोशनल वीकनेस है ये बढ़ जाती है, यानी कि आप दूसरे लोगों से इमोशनल सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखना चालू कर देते हो। और ऐसे लोग इमोशनल सपोर्ट देने में भी बहुत अच्छे होते हैं, ये भी एक बात है, लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन करना चालू कर देते हो तब आपका नुकसान होता है, क्योंकि अगर आपको वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो ये आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो अगर आपको स्काई ब्लू कलर पसंद आ रहा है या पहले से ही आता है तो हमेशा अपने आप को बैलेंस्ड रखिए, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ अपने आप में ही ढूंढिए, आपकी जो सोच बदल रही है वो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल रही है, उसको आप जारी रखिए, लेकिन किसी से भी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, ठीक है। ये हुई स्काई ब्लू कलर की बात। अब बात करते हैं हरे रंग की। ग्रीन कलर अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? ग्रीन कलर पसंद होना बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि आपका बुध बहुत अच्छा हो रहा है कुंडली में। इसके अलावा ग्रीन कलर का क्या यूज़ हो सकता है? ग्रीन जो कलर है वो मेंटल पीस को इंक्रीज करता है। आप देखिए मेंटल पीस और मेंटल स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। पीस यानी कि शांति, मन की शांति, मस्तिष्क की शांति जो होती है वो आपको हरा रंग देता है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में जिसकी वजह से मेंटल पीस चला गया है, आप पूरी वक्त सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा सब कुछ मैनेज कैसे होगा, बहुत मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है, एक साथ बहुत सारी डायरेक्शंस में घूमता है, ऐसे में आपको ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए अपनी लाइफ में। हर जगह जितना हो सके आप ग्रीन कलर का यूज़ करिए। इनफैक्ट ग्रीन कलर की डॉट को एक पेपर पे बना के रख लीजिए अपने किसी अच्छे घर पे, किसी अच्छे आप अपने कॉर्नर में रख लीजिए और उसको देख के मेडिटेट करिए। उस ग्रीन डॉट को देख के आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। 5 मिनट ही सही, ज़रूर करिए। उसके अलावा आप हरे रंग का धागा बांधिए अपनी दाहिनी कलाई में। ये धागा सिद्ध भी हो सकता है या एक नॉर्मल सा ग्रीन कलर का धागा हो सकता है जो आप अपने यहाँ पर रिस्ट पर बांध सकते हैं। उसको थोड़े थोड़े दिन में चेंज भी करते रहिए, 15-15 दिन में, जब वो गंदा हो जाए।
इसके अलावा ग्रीन कलर का आप हैंकी रख सकते हैं, हैंकी ज़रूर रखना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका मेंटल पीस कम हो रहा है। और जैसा कि मैंने येलो कलर के साथ आपको प्रोसेस बताया था पानी की बॉटल का, वही चीज़ आप ग्रीन कलर के साथ भी कर सकते हैं। ग्रीन कलर के सेलोफेन शीट को आप किसी कांच की बॉटल के आसपास रैप कर दीजिए और इसको आपको रखना है सूर्य के रोशनी के नीचे 11 दिन तक। 11 दिन तक इन बॉटल्स को आप रहने दीजिए सूर्य की रोशनी के नीचे। सेम तरीके से आपको रखना है लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे और फिर जब 11 दिन हो जाएं तब हर रोज़ आधा आधा कप करके उस ग्रीन कलर के पानी को आपको पीते रहना है। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपको फ़र्क दिखना लग जाएगा कि आपकी मेंटल पीस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, आपको मन से शांत महसूस होना चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले कलर की, चौथे कलर की, जो कि है पर्पल कलर। बच्चों को बहुत पसंद होता है ये कलर, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पर्पल कलर के बैग्स उनको लेना पसंद होता है, पर्पल कलर के कंपास बॉक्सेस लेते हैं, इनफैक्ट अपने बच्चों के चिल्ड्रन रूम में भी ज़्यादातर पर्पल कलर के डिज़ाइंस बहुत बार देखे जाते हैं। तो पर्पल कलर किस चीज़ का मालिक है? मेंटल स्ट्रेंथ का। जैसा कि मैंने बताया मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल पीस दो अलग चीज़ें हैं। तो जहाँ ग्रीन कलर मेंटल पीस देता है वहीं पर्पल कलर मेंटल स्ट्रेंथ देता है। तो बच्चों के लिए जो है पर्पल कलर बहुत ज़रूरी है कि उनके आसपास रहे। स्टडी टेबल पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी उनका कपड़ा है या टेक्सचर है या वॉल पे जो भी कलर है वो पर्पल कलर का हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, फोकस बढ़ता है। फोकस बहुत ज़रूरी है। आपको मैं फोकस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। चाहे आप कितने भी आपने चाहे कितनी ही भक्ति क्यों ना की हो, चाहे आप कितनी हार्डवर्किंग क्यों ना हो, चाहे आपके कितने कॉन्टैक्ट्स क्यों ना हो, लेकिन इन सब से ऊपर जो एक चीज़ रखी जाती है किसी भी इंडिविजुअल की सक्सेस के लिए वो होता है कॉन्सेंट्रेशन या फोकस। फोकस बहुत ज़रूरी है, जो कि पर्पल कलर आपको देता है। तो बात की हमने चार कलर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स हैं येलो, ग्रीन, पर्पल और ब्लू। तो चार कलर्स की हमने बात की, अब बात करते हैं रेड कलर की, लाल रंग की, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। डेली यूज़ में नहीं तो कम से कम पार्टीज़ के लिए तो ये कलर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बर्थडेज पे यूज़ किया जाता है, वैलेंटाइंस डे पे यूज़ किया जाता है, इसको लव का कलर भी बोला जाता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ इस कलर से रिलेटेड, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अचानक से रेड कलर के गिफ्ट्स मिलने चालू हो जाते हैं, यानी कि आपको हर जगह से रेड कलर के गिफ्ट्स मिल रहे हैं, रेड कलर का टॉप मिल रहा है या रेड कलर के कपड़े मिल रहे हैं, रेड कलर का पेन मिल रहा है, कोई ना कोई गिफ्ट कर रहा है या कहीं ना कहीं से आपके पास आता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है लाइफ में। किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है ये न्यूज़, करियर से हो सकती है, रिलेशनशिप से हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि रेड कलर अचानक से गिफ्ट में मिलना लक की निशानी है, गुड लक की निशानी है। तो खुश हो जाइए अगर रेड कलर आपको मिल रहा है तो। और रेड कलर इसके अलावा किस चीज़ में आपको हेल्प करता है? एजिलिटी में हेल्प करता है। अगर आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती है तो आप रेड कलर का धागा अपने हाथ में बांधिए, रेड कलर की बुक्स रखिए अपने साथ। हर कोई इंसान एक या दो कॉपीज़ तो ज़रूर रखता ही अपने पास, चाहे वो वर्किंग हो या ना हो, स्टूडेंट हो या ना हो, आप जो भी नोट करने के लिए अपने डेली टास्क अपने पास रखते हैं वो रेड कलर की नोटबुक अगर आप उसको अपनी बना लेंगे तो आप देखेंगे आप में एनर्जी जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है। और अपने आसपास भी हो सके तो रेड कलर को पेंट कराइए। रेड कलर को सिर्फ देखने मात्र से ही आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ऊर्जा आपके अंदर ज़रूर बढ़ेगी। तो ये बात हुई पांच कलर्स की। हमको ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और कलर्स को बहुत ही टैक्टफुली अगर आप यूज़ करेंगे तो देखेंगे कुछ ही दिनों में कैसे आपका माइंड चेंज होने लग जाता है और आप वो काम कर पाते हैं जो काम आप काफ़ी टाइम से करना चाह रहे थे,
लेकिन वो हो नहीं रहा था किसी ना किसी वजह से। लक को स्ट्रॉन्ग करिए, माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए कलर्स की हेल्प से। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।